हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल परीज वर्ल्ड। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो यू कैन सी मैंने आज एक डमी पे मेकअप लुक क्रिएट किया है, जो आपको ऑलरेडी टाइटल से पता चल गया होगा, और मैंने थोड़े बहुत टिप्स शेयर किए हैं इस वीडियो में। तो एंड तक ज़रूर देखना वीडियो को, आई होप आप लोग को अच्छा ज़रूर लगेगा। तो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये है द मेकअप बिफोर लुक, बिफोर मेकअप लुक। तो नाउ वी कैन स्टार्ट द लुक विथ द फाउंडेशन। तो पहले मैं बेस बनाने के लिए मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, जो मिलानी का है, मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। तो इसको अच्छे से हम ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लेंगे। पहले ऑल ओवर फेस और नेक पे लगा लेंगे और बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है, पता नहीं कैसे, लेकिन बहुत अच्छा ब्लेंड हो गया है फाउंडेशन इसके फेस पे। तो अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड करने के बाद हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे कंसीलर, विच इज़ फ्रॉम फिट मी। तो कंसीलर हम एज़ यूजुअल प्लेस पे ही यूज़ करेंगे, लाइक नोज टिप, अंडर द आई एरिया, फिर फोरहेड, फिर अपर लिप्स। तो इसको भी हम अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लेंगे। तो आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डू द कॉन्टोरिंग। तो कॉन्टोरिंग के लिए मैं एक टिप शेयर करने वाली हूँ। हमको बहुत ही अच्छे से अपना कॉन्टोरिंग का लाइन समझना पड़ता है, जो यूजुअली होता है हमारे जो साइड के जुल्फे होते हैं, जो हमारे फिनिशिंग के बाल होते हैं कान के साइड पे, उसका जो लास्ट लाइन है वो होता है हमारे कॉन्टोरिंग का एक्चुअल लाइन। यू कैन सी, मतलब ये लाइन आप अगर सीधा करके देखोगे तो नाक बराबर आता है, लिप्स के बराबर नहीं, नाक बराबर। तो हमको कॉन्टोरिंग लाइन अच्छे से पता होना ज़रूरी है, वरना फेस स्टेबल नहीं लगता है, जैसे का वैसा ही लगता है। तो अच्छे से हमको कॉन्टोर करना चाहिए। तो कॉन्टोरिंग का एरिया हमारा होता है चीक, फोरहेड और जॉ लाइन। जॉ लाइन पर ज़्यादा कलर यूज़ नहीं करना है, जो एक्सेस बचा होगा ब्रश पे वो यूज़ करना है। तो हम अच्छे से यहाँ पे कॉन्टोरिंग यूज़ कर रहे हैं, और मैं फिर से दिखा देती हूँ कौन से प्लेस में, चीक पे, फोरहेड पे, और ड्रैग करते हुए यहाँ पे जॉ लाइन पे हमको कॉन्टोरिंग करना चाहिए, और एज वेल एज नोस, ये सारे एरियाज़ पे हमारे कॉन्टोरिंग होते हैं। अभी हम करने वाले हैं ब्लश। ब्लशर हम पूरे फेस पे नहीं यूज़ करेंगे, बस जहाँ पे कॉन्टोरिंग ख़त्म होता है चीक बोन्स पर, जो हमारा थोड़ा सा फुला हुआ पार्ट होता है चिक्स का, वहाँ पे हम ब्लशर यूज़ करेंगे, और नोज टिप पे थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बोल रही हूँ। अभी हम कर रहे हैं हाईलाइट। हाईलाइटर यूज़ कर रही हूँ मैं एकदम कॉन्टोरिंग के ऊपर वाले पार्ट पे, मतलब यूजुअली हम अपने फेस के जो ऊंचे ऊंचे पार्ट्स होते हैं उन पे हम हाईलाइटर यूज़ करते हैं, लाइक चिक बोन्स, नोज़ के टिप पे, पूरे नोज़ पे हाईलाइटर यूज़ नहीं करना है, बस बीच में और नोज़ टिप पे यूज़ करते हैं हम। फोरहेड पे यूज़ कर सकते हैं, चिन पे और अपर लिप्स पे यूज़ कर सकते हैं हम हाईलाइटर। तो हमने अच्छे से हाईलाइट कर लिया है, यू कैन सी। तो अभी मैं ड्रॉ कर रही हूँ आईब्राउज़। मैंने आईब्राउज़ ड्रॉ करने का तरीका पिछले बहुत सारे वीडियोज़ में बताया है, यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ। तो पहले मैं टेल फिल करती हूँ आईब्राउज़ का, टेल अच्छे से फिल हो जाए तो हम उसको थोड़ा सा ड्रैग करते हुए सामने लाते हैं, और जो एकदम फ्रंट वाला पार्ट है उस पर हम बस एक्सेस जो कलर बचता है वही कलर यूज़ करते हैं, ज़्यादा कलर हम सामने यूज़ नहीं करते हैं। और ये चीज़ रियल आईब्राउज में समझने में ज़्यादा आसानी होती है। तो अगर आपको ऐसे ही वीडियोज़ देखने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। तो एज़ यू कैन सी हमारे आईब्राउज़ बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम आइस पे काम करने वाले हैं, तो मैंने सोचा है एक स्मोकी आई इफेक्ट दूँ इसको। तो ये एक्चुअल मेकअप डमी तो है नहीं, बट इसके आइस खुले हुए हैं। एक्चुअल मेकअप डमी के आइस क्लोज होते तो उसमें अच्छे से हम दिखा पाते हैं आई शेडो। तो फिलहाल मैं एक ब्राउनिश शेड यूज़ कर रही हूँ ऑल ओवर द आईलिड्स। तो इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, ब्लेंड करते हुए ऊपर तक अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद मैं यूज़ करूँगी ब्लैक कलर। मैं दो ही कलर यूज़ कर रही हूँ इस आई लुक के लिए, तो ब्लैक कलर को भी हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। दोनों कलर एक साथ अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। ये वाला आई लुक आप चाहो तो अपने रियल आईज़ पे भी क्रिएट कर सकते हो आसानी से। तो यू कैन सी हमारा आई शेडो कम्प्लीट हो चुका है, अभी थोड़ा सा काम बाकी है। तो अभी हम एंगल ब्रश के हेल्प से ब्लैक आई शेडो यूज़ कर रहे हैं इनर लाइंस पे। इसको हम अच्छे से स्मोक आउट कर देंगे ताकि स्मोकी इफेक्ट दिखे आईज़ पे। तो नाउ वी आर यूजिंग आईलाइनर। तो आईलाइनर कहाँ से हमको शुरू करना चाहिए, विंग, जहाँ पे हमारा आउटर कॉर्नर का
फिनिशिंग पार्ट होता है वहाँ से, मतलब दोनों इनर लाइंस एंड आउटर लाइन के बीच में एक पार्ट होता है, वहाँ से हमको विंग लाइनर शुरू करना चाहिए, तो लुक एकदम परफेक्ट आता है। तो यू कैन से मैंने शुरू कर दिया है और हम अच्छे से आईलाइनर ड्रॉ कर लेंगे। ज़्यादा विंग लाइन में नहीं क्रिएट करूँगी, छोटा सा एक विंग क्रिएट करके हम आईलाइनर ड्रॉ कर रहे हैं। तो यू कैन सी ऑलमोस्ट आईलाइनर इज़ कम्प्लीट। तो हेयर इज़ द कम्प्लीट आई लुक विद आईलाइनर। तो अभी हम यूज़ कर रहे हैं लिपस्टिक, दिस इज़ फ्रॉम लैक्मी। तो मैं आज शो करूँगी कैसे हम विदाउट लिप लाइनर लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर सकते हैं ईजिली। तो पहले हम लिप्स के बाउंड्रीज जो होते हैं ड्रॉ कर लेंगे, तो उसके हेल्प से हम आसानी से विदाउट लिप लाइनर हम लिपस्टिक लगा सकते हैं। तो एज़ यू कैन सी मैंने पहले बाउंड्रीज ड्रॉ कर लिया है और इसके बाद अच्छे से हम बीच वाला पार्ट को फिल कर देंगे। तो अच्छे से हमने फिल कर दिया है और दिस इज़ द कम्प्लीट लुक ऑफ द डमी मेकअप। तो अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना फॉर न्यू न्यूज़ ब्लॉग्स एंड वीडियोस। मैं हर संडे एक मेकअप रिलेटेड वीडियो और ब्लॉग्स पोस्ट करती रहती हूँ। तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर न्यू न्यू ब्लॉग्स एंड वीडियोज़। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।